सुखदेव गोगामेड़ी के हत्यारों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दोनों शूटर को चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया गया, एक को जयपुर लाया गया और एक शूटर को लाया जा रहा है। हमारे साथ में उनकी पत्नी सपना है। सपना जी, एक तो क्या कहेंगे कि दोनों शूटर को गिरफ्तार कर लिया, जो आप चाहते थे कि जल्दी गिरफ्तार जी? बिल्कुल, गिरफ्तार किया है उन्हें। मैं ये चाहती हूँ पूरे पुलिस प्रशासन से कि इनको पूछताछ की जाए कि इनके पीछे था कौन, आखिर करवाया किसने था। किया तो इन्होंने, पर करवाया तो गया ना, आगे पता तो चले कि मतलब इनके पीछे थे कौन। ये होना चाहिए एक तो, और जितने भी अपराधी हैं, जितने भी जिन्होंने भी ये करवाया, उन सबको फांसी की सजा होनी चाहिए। बस एक ही मांग होनी चाहिए पूरे समाज की, पूरे देश की, पूरे परिवार की, सबकी हमारी एक ही मांग है, हमें न्याय मिले और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। आप कह रहे हैं कि करवाया किसने, जो लेकिन जो रोहित गोदारा जिसने जिम्मेदारी ली है, क्या रोहित गोदारा से कोई पहले से कोई दुश्मनी थी? जो लॉरेंस गैंग का कभी धमकी का कॉल आया, आप तो लगातार सीसीटीवी मॉनिटर करती थी। जी बिल्कुल, मैं देखती थी सीसीटीवी कैमरे। वो बोलते थे कि हाँ मैं गनमैन जरूर रखता हूँ, लेकिन मुझे तुझ पे भी भरोसा है। हर टाइम अगर मैं मेरे रूम में चली जाती थी कैमरे से अलग हटके, तो बोलते थे तेरे को बोला हुआ है, यहाँ बैठी रह कर, देखती रह कर। और कभी रही नाम रोहित गोदारा की, तो नाम उन्होंने कभी किसी का नहीं लिया। ऐसे ही बोलते थे कि मेरे को मारने की साजिश हो रही है, जेल से साजिशें चल रही है, मुझे कभी भी कुछ भी हो सकता है। पुलिस प्रशासन से मांग भी की थी। जेल से साजिश चल रही, इसका जिक्र किया उन्होंने कि जेल से साजिश रची जा रही, जैसे पंजाब के अंदर उसका संपत नेहरा का नाम आया, उसने हथियारों का इंतजाम कर लिया, ये बातें करते थे वो? जी नाम तो चलते रहते थे, बहुत बताते थे। आज जैसे आपने बताया है, मेरे तो दिमाग में चीज़ें रह नहीं रही, आप बता रहे हो जैसे संपत नेहरा। हाँ, यहाँ नाम चलते रहते थे कि पूछते थे आने जाने वाले लोग कि भाई साहब आपको क्या लगता है कि आपको कौन मरवाना चाहता है, क्योंकि पुलिस वाले मतलब कहीं ना कहीं बताते थे कि आप पे खतरा। उनको पता था ना, पुलिस वालों को तभी बताते थे वो कि खतरा है। सबको पता था कि उन पे खतरा है। अगर आज उन्हें जो हमें सुरक्षा मिल रही है पुलिस प्रशासन से, अगर उनको मिलती तो आज वो होते और इतना नहीं होता। अब जो दोनों शूटर है उनको जो हथियार, विदेशी हथियार उपलब्ध कराए गए, उसमें और भी लोगों को गिरफ्तार किया अभी, उसको लेकर आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या बड़ी साजिश है? जी सुखदेव सिंह गोगामेड़ी ऐसे तो है नहीं कि कोई छोटा मोटा आदमी था, आपको पता है। तो अगर उनको मारने के लिए, ये तो फिर बहुत बड़ी साजिश ही रची होगी। साजिश ही है ये तो, साजिश के तहत पे ही हुआ है जो भी हुआ है। एक कहा जा रहा है कि जो वहाँ पर रतनगढ़ में जो महिपाल सिंह जी थे, जिनसे इन्होंने पैसा मांगा था रोहित गोदारा गैंग ने, इन्होंने विरोध किया था उसका, तो क्या व्यापारियों को बचाने की कोशिश कर रहे थे? इसका कभी जिक्र हुआ कि इसकी वजह से उनको धमकियाँ मिल रही है? ये बात कभी सामने नहीं आई मेरे, आपने बताई है ऐसा कुछ नहीं। ऐसा नहीं आया कुछ ऐसी बात जो आपको लगता था कि वो बता रहे थे कि भाई खतरा कहाँ से, उनको किन से खतरा है, ऐसा कभी जिक्र किया? खतरा तो ऐसे ही बताते थे, ये जो बदमाश थे जितने भी पकड़े जाते थे, गैंगस्टर थे, उनके बारे में ही चर्चा चलती थी। ये तो अभी कुछ पता नहीं है ना, पुलिस प्रशासन लगा हुआ है, देखते हैं उनको पकड़ा गया है, अगर उनको मतलब उनको कड़ी तरीके से जो भी होता है ना पूछेंगे ना तो पता चलेगा। उनको जितना भी टॉर्चर करके जैसे भी पूछना है पूछेंगे तो पता चलेगा, तो अपने को भी नाम सामने आएंगे कि क्यों हुआ था, कैसे हुआ था। क्योंकि जितने भी अपराधी है वो सामने आने चाहिए। ये दो तो देखो अपराधी है ही नहीं सिर्फ अकेले, ये तो है ही अपराधी, पर इनसे बड़े अपराधी वो हैं जिन्होंने मरवाया है इनको। ये मारने वाले हैं, मरवाया किसने ये पता लगाओ। अच्छा दूसरे ये बताएं कि ये जो प्रॉपर्टी का मामला है सारा, क्या प्रॉपर्टी किसके नाम पर है? सुखदेव सिंह जी की प्रॉपर्टी किसके नाम पर है? प्रॉपर्टी का तो मुझे पता नहीं है अभी किसके नाम है। शकुंतला जी के नाम पर है? हाँ, बताया जा रहा है कि शकुंतला जी के नाम पे, मुझे बताते थे ऐसे कि अभी तो सब कुछ शकुंतला के नाम ही है, मकान, बाकी प्रॉपर्टी, जमीनें सब शकुंतला जी के नाम। हाँ, शकुंतला जी के नाम पे। मुझे तो देखो अब जितना है, मैं तो अभी ये भी कहूंगी कि शकुंतला जी को भी खतरा ही है। उनको भी देखो, जैसे अगर शीला जी को ऋण को मिल रही है पुलिस प्रशासन के लिए सुरक्षा, तो उनको भी मैं उस शकुंतला के लिए भी मांग करती हूँ, शकुंतला के लिए भी मांग करती हूँ कि उनको पुलिस प्रशासन से सुरक्षा मिलनी चाहिए। पुलिस प्रशासन से सुरक्षा मुझे भी मिलनी चाहिए, क्योंकि मैं 24 घंटे उनके साथ रहती थी। थोड़ा घूंघट ऊपर कर लीजिए। अच्छा दूसरा, शीला जी ने कल, वो आई कैमरे पे, उन्होंने कहा मैं तो सपना को जानती नहीं हूँ, कौन सपना? हाँ, पूछ रहे हैं मुझसे ये सवाल कि ऐसा क्यों बोला उन्होंने।
अब वो तो वही जानती है कि उसने क्यों बोला, कि क्योंकि सारे एक में कोई ये तो है नहीं, कोई जानवर हो उसके लिए तुमने बोल दे कि ये कुत्ता गली से बाहर आ गया था अंदर, ऐसा तो होता है। मैं इंसान हूँ और 11 साल रही हूँ उनके साथ, तो वो तो देखो उसको भी पता है मेरे साथ 2 महीने रह के गई है वो इसी मकान में, उसने क्यों बोला वो जाने उसका, हो सकता है प्रॉपर्टी का उसको ज़्यादा ही होगा, उसको प्रॉपर्टी के लिए कर रही होगी। मैं उसको बोल तो रही हूँ बार बार आप लोगों के माध्यम से, मुझे प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, न्याय चाहिए, फिलहाल अपने न्याय की मांग करो। पूरा देश हंसी उड़ा रहा है उनकी मौत पर, क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं अपने घर की परिवार की जितनी भी उलझने हैं वो बाद में सुलटा लेंगे बैठ के, लेकिन अभी न्याय की मांग रखो बस। शीला जी ने जो कभी उन्होंने अपने पति का नाम का इस्तेमाल किया, वो चुनाव भी लड़ा था उन्होंने? नहीं, उनका वो अपने पापा का ही नाम लगाते हैं, क्योंकि मैंने उनके डॉक्यूमेंट्स यहाँ आते थे तो मैं देखती थी डॉक्यूमेंट्स में, उनके पापा का नाम है उनका, इनका नाम नहीं है। तो वो इनके साथ रहती थी सुखदेव गोगामेड़ी जी के साथ? जी बिल्कुल ही नहीं रहती थी, उनके साथ मैं रहती थी, 11 साल से रह रही हूँ। तो वो भादरा के अंदर रहती थी या बिल्कुल ही नहीं रहती थी? भादरा रहती थी ना, बच्चों के साथ भादरा ही रहती थी, आते जाते भी थे। मैं यही तो बोल रही हूँ कि वो झूठ बोल सकती है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। हाँ, उनके पास जाते थे 2 महीने से, एक दिन ही जाते थे, कभी 2 महीने से कभी 3 महीने से। तीनों के पास ही आते जाते थे? नहीं, मेरे पास ही रहते थे, यहाँ आप ही के पास मेरे पास ही रहते थे, उनके कपड़े, रहना, खाना पीना, हमारा सोना उठना सब यहीं है, यहीं रहते थे वो। तो ये है उनकी पत्नी सपना, जो ये कह रही है कि इंसाफ की ज़रूरत है और जो आरोपी है उनको फांसी की सज़ा दी जाए, उन्हें इंसाफ मिले, प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। कैमरा मैन मनीष के साथ भवानी सिंह, जयपुर, न्यूज़ 18 इंडिया।